Morning friends, we are again here to get inspired. This is Jyoti. She's going to do the needful. I'm just a prop. So over to her. Yeah, Jyoti. Hi everyone, my name is Jyoti Kadian. If I tell about the journey, I'll straight away start from the journey itself. I won't waste time in telling various things. I had got recommended, I got merit out, and I called LAKSHYA Academy, simply. So I talked to the office people and I just asked ki yaha interview hoga kya? So they said ki ma'am, hum pura coaching dete hain. So maine kaha sirf interview nahi ho sakta hai. So mere Yudhvir sir se I talked. So Yudhvir sir said ki ye gurukul shiksha hai, hum aadhi adhuri shiksha nahi dete. That was the first time ki meko laga ki कोचिंग सेंटर से बड़ा कुछ है जो अभी भी मतलब गुरुकुल प्रथा और इन सब चीज़ों को देखता है एंड उनका डिज़ायर है कि मैक्सिमम चीज़ें अभी भी हों. तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैंने अपना फिर SSB दिया और ये सब चीज़ें चलती रही. देन आई अगेन केम टू सर, आई टोल्ड सर कि सर ऐसे ऐसे मेरिट आउट हो गई और ये सब, एंड आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी कि आई स्टार्ट टीचिंग इन लक्ष्य एट दैट टाइम. देन आई ऑल्सो अटेंडेड द क्लासेज, मैंने पूरे क्लासेज लिए, सारा देखा कि क्या एक्चुअली लक्ष्य अकेडमी में जो गुरुकुल वाला टर्म मैंने फर्स्ट टाइम सुना था कितना लेवल तक यहाँ पे है. एंड आई फाउंड कि एक्चुअली वो सिर्फ टर्म नहीं था, आई रियलाइज्ड कि वो बहुत बड़ी चीज़ थी जो मैंने एक्चुअली जो जितना सर ने बोला था उससे भी ज़्यादा था. अभी तक जब भी वेन एवर एनी बडी, क्योंकि आप रिकमेंड वगैरह होते हो तो अ लॉट ऑफ पीपल कम टू यू, बहुत सारे कोई पड़ोसी, पापा के फ्रेंड के बच्चे, लॉट ऑफ पीपल, तो दे कम एंड आस्क कि कौन सा कोचिंग सेंटर अच्छा है ऐसे करके. सो आई यूज़ टू गिव 2 or 3 नेम्स जो मेरे को पता होते थे कि हाँ ये अच्छा है ये अच्छा है. नाउ आई एम प्रिटी श्योर दैट आई विल ऑलवेज गिव ओनली 1 नेम एंड दैट इज़ लक्ष्य अकेडमी, बिकॉज यहाँ पे आके पता चल गया कि एक्चुअली कोचिंग नहीं चाहिए होता है, किसी को भी नहीं चाहिए होता है. लाइक सर हैज़ ऑलवेज सेड कि हर एक कोई जो भी बच्चा यहाँ आता है, एवरी वन इज़ सो गुड. अगर हर कोई इज़ सो गुड तो हमें इतना कोचिंग की ज़रूरत है ही नहीं, हमें वो प्रॉपर गाइडेंस चाहिए जो सर इतने अच्छे से देते हैं. सो दैट इज़ द लाइक प्राइम फंडामेंटल दैट लक्ष्य अकेडमी इज़ फॉलोइंग. और तभी यहाँ के जो बच्चे होते हैं वो ऐसे कोचिंग कोचिंग वर्ड नहीं बोलते. आप कभी भी देखोगे देर लाइक देर टॉक्स आर सो मतलब ब्रॉड, वो कभी इतने लिमिटेड वे में बात ही नहीं करते, देर टॉक्स आर सो ब्रॉड इन एवरीथिंग. तो ये आई कैन श्योरली से कि लक्ष्य विल कीप गिविंग ऑफिसर्स, एंड आई डोंट नो अबाउट द मेरिट, इट्स स्टिल येट टू कम, बट लक्ष्य विल कीप गिविंग ऑफिसर्स एंड लक्ष्य विल कीप गिविंग गुड सिटीजन्स टू कंट्री, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली वो चीज़ हो रही है जो एक यंगस्टर को पता होनी चाहिए टू लीड अ गुड लाइफ. ओके, सो हाउ व्हेन यू वेंट दिस टाइम टू SSB गॉट सिलेक्टेड, व्हाट वाज द चेंज दैट यू फेल्ट इन टर्म्स, स्पेसिफिक टर्म्स एज फार एज इंटरव्यू इज कंसर्न, देन योर साइक दैट इज TAT एटसेट्रा एंड देन योर GTO, इफ यू रिमेंबर एनी स्पेसिफिक थिंग. So that you can share and people will understand as to what are the specifics of what you're saying. When I entered my interview wala chamber, my IO straight away asked me one question. Okay, how have you prepared this time? Simple question. So I said, sir, this time I haven't prepared for the SSB, but I have prepared for making my life better. And that was the pure answer which I used to think in my mind. I don't know whatever will, what happens in my life, but I am sure that whatever will happen will be good. So that is one thing. And plus, Lakshya, it's not just about 1 change or 2 or 3 changes. It's about changing your whole personality, like with a very good effect. So one incident that I can tell, sir ne hamesha bola, jo leader hota hai wo bura karta nahi aur bura sehta bhi nahi hai. So hamare GTO mein aisa hua ki like everybody was so good, but still one member, she nominated herself in the GP and she gave the wrong GP jo group mein discuss nahi hua tha. Agar main pehle wali Jyoti Kadian hoti jo pehle SSB mein gayi hoti, jab GTO sir ne pucha ki okay who all agree, nobody said yes, but who all don't agree, nobody raised their hands. And agar main bhi pehle wali hoti shayad even I wouldn't have done the same thing, but still this time I raised my hand, I told sir this was wrong,
and humne group mein kuch aur discuss kiya, and I straight away told him. It was with so much respect and everything that nobody felt bad about it, and this is a quality that we should all inculcate, that if we feel anything is going wrong, at least we should respectfully tell that person ki aisa kuch ho raha hai. So I think ye jo courage aur ye cheez jo aayi hai, that is just because of Lakshya, because ye pehle bhi man mein aata tha, bolna hai nahi bolna hai. There are so many myths about SSB, aise karte hai, lecture 8 mein ye wala topic acha hota hai, ye bura hota hai. यहाँ पे इतना ब्रॉड विजन दे दिया कि एवरीथिंग इज सो गुड, आप किस तरीके से और बेहतर बनाते हो, दैट काउंट्स इन योर सिलेक्शन, नथिंग एल्स. ओके, सो इन अदर वर्ड्स यू हैव द करेज, लीडर हैज द करेज टू स्पीक व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग विद रिस्पेक्ट, यस, विदाउट हर्टिंग एनीबडीज सेंसिबिलिटीज. सो एंड व्हिच यू अप्लाइड इन योर लाइफ, यू वर अर्लियर आल्सो लाइक दैट, बट समवेयर देयर वाज अ डाउट. एंड वी हैव ग्रेट एग्जांपल्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट, व्हेन पीपल से this is right, this is not right, and they want to improve upon it, so which was a very good thing, very good example. Anything in the story writing, or which people call story writing, it is not story writing, yes. It is thematic apperception test. So anything, any change that you found, so that you know people can benefit from your experience? thematic apperception test, like you said sir, but आपने एक और लाइन बोली थी कि साइकोलॉजी कुछ नहीं है, आपकी ज़िंदगी की सच्चाई, और ये लाइन मैं पता नहीं कितनी बार रिपीट कर चुकी हूँ. सो एंड आफ्टर अटेंडिंग दैट 5 or 10 minutes क्लास, आई डायरेक्टली केम टू सर एंड आई टोल्ड सर, सर दिस वाज द मोस्ट प्रोडक्टिव क्लास ऑफ माय एंटायर लाइफ. आई हैव डन लाइक आई एम डूइंग मास्टर्स, इतना क्लासेस कर लिया, बट स्टिल मैंने कभी ऐसी क्लास, मतलब 5-10 मिनट में, सर का आंसर वॉज, वो तो बहुत छोटी सी क्लास थी. मैं कहा सर जो मेरे को ढूंढ रही थी, जो इतने टाइम से मैं ढूंढ रही थी, वो मेरे को आज मिल गया. सो अगर इफ़ यू आर लाइक यू हैव ट्रस्ट इन योर सेल्फ दैट यू हैव लेड अ रियली गुड लाइफ, यू हैव अ गुड हार्ट, यू हैव अ स्ट्रांग माइंड, अगर आपको अपनी लाइफ से प्यार है, जो भी आप कर रहे हो उससे प्यार है, देर इज़ नो डाउट कि आप SSB नहीं कर पाओगे. सो यही था कि इससे पहले जब भी सोशल वर्क ये सब इतना ज़्यादा, लाइक मैंने सर को फ़ोन पर भी बताया था, वेन आई गॉट रिकमेंडेड, कि दो औरतें खड़ी हैं. पहले ऐसे होता था कि आप उसे ह्यूमन राइट कमीशन, वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन, इससे रिलेट कर देती थी, बट फर्स्ट टाइम यार भाभी मम्मी है, मैं और भाभी है, मतलब इतने नॉर्मल चीज़ें. आप घर में किस तरीके से चीज़ें अच्छी कर रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ किस तरीके से कर रहे हो, जितना नेचुरली आपके अंदर जो आता है, अगर आप उस तरीके से करो, आई थिंक दैट वुड बी द बेस्ट वे. और सर ने जितना मेरे को ऐसे लिबरल किया है ना, लिबर्टी दिया है कि मतलब, और सर हर किसी के साथ जैसे करते हैं, यहाँ पे एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग, जिसमें और ज़्यादा लिबर्टी मिलती है सोचने की, समझने की, आपको दूसरों के आइडियाज़ से सीखने को मिलता है, दूसरों के आइडियाज़ में अपने आइडियाज़ ऐड करने को मिलता है, जिसका फ़ायदा आपको PPDT में बहुत होता है, कि आपको दूसरे की अच्छी स्टोरी में और अच्छा बनाने के लिए आप कैसे ऐड कर सकते हो. तो ये सब चीज़ें जो ये यहाँ पे बेसिक एक्सरसाइजेज हैं, आई थिंक ये प्राइम चीज़ें हैं जो आपको लाइक एक ही गो में यू कैन जस्ट क्लियर SSB, नॉट अ बिग डील, मतलब इतनी प्राइम एक्सरसाइज है. तो ये सब चीज़ें भी हैं जो सर डेली बेसिस पे बताते हैं. ओके, सो आई एम श्योर विद दिस लॉट ऑफ पीपल विल बी इंस्पायर्ड एंड गो ऑन द राइट पाथ, एंड आई होप, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू बी वेरी हाई इन द मेरिट द वे यू हैव परफॉर्म्ड, एंड आई हैव ऑलवेज सेड यू आर वन ऑफ माय बेस्ट स्टूडेंट्स, एंड carry on doing great work for the nation. That is what is most important. People start feeling that, oh, I'm select ho gaye now. You are not leader, you're just an accidental leader. Don't be accidental leader. Make difference to the environment around you, which I'm very sure you will do. Thank you very much. Jai Hind.